दोस्तों, हिमालय में बसी एक अद्भुत रहस्यमयी जगह, जहाँ पर सबकी आयु हजारों वर्षों की हो, जहाँ लोग 12 फीट के हों और हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ हों, हमारी दुनिया से अलग एक ऐसा शहर जो स्वर्ग के समान हो। जी दोस्तों, ऐसी जगह असल में है और इस जगह की खोज ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी किया है। और तो और, हिंदू धर्म के बहुत सारे पुराणों और वेदों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बत के धर्म ग्रंथों में भी इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिमालय में सच में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होते, लेकिन इस पवित्र जगह को देखना हर किसी के बस में नहीं है। दोस्तों, आज भी दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी हार मान ली है, और हिमालय में मौजूद ये दिव्य जगह भी उन्हीं रहस्यों में से एक है। अगर आप भी इन जगहों से वाकिफ नहीं है तो आइए आज की हमारी वीडियो में हिमालय के इन्हीं रहस्यमयी जगहों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, ज्ञानगंज मठ हिमालय में छुपा एक ऐसा ही रहस्यमयी शहर है। इसे सिद्धाश्रम, शांग्रिला या संभाला भी कहते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन के लिखे किताब लॉस्ट होराइजन द लेजेंड ऑफ शांग्रिला इसी रहस्यमय शहर ज्ञानगंज मठ पर आधारित है। ज्ञानगंज मठ 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच फैले हुए है, और ऐसा समय समय पर दावा किया जाता रहा है, लेकिन आज तक यहाँ कोई भी पहुँचने का रास्ता या तरीका नहीं खोज पाया है। उस जगह पर पहुँचने के लिए घोर तपस्या के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं का आना जाना लगा रहता है। ये जगह इतनी पवित्र है कि यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों, हिमालय के इस रहस्यमय शहर का जिक्र रामायण में भी मिलता है, लेकिन उससे भी पहले सतयुग में भी इस जगह का जिक्र एक बार मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उससे अनेकों जड़ी बूटियाँ, कौस्तुभ मणि, शंख पारिजात वृक्ष और अमृत के साथ संजीवनी बूटी भी निकले थे, जिसे हिमालय में एक गुप्त जगह पर रखा गया था। ये वही जगह ज्ञानगंज मठ थे जहाँ संजीवनी बूटी को रखा गया था। रामायण के अनुसार विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण जी को वेद ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की जानकारी के लिए हिमालय की इसी जगह पर ले गए थे, जिसे उस समय पर सिद्धाश्रम कहा जाता था। इस जगह का जिक्र रामायण में एक और बार तब मिलता है जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ की प्राणघातिनी बर्छी लगती है और वो मूर्छित हो जाते हैं। तब लंका के वैद्य को हनुमान जी लंका से उठा ले जाते हैं, और तब वैद्य सुषेण हनुमान जी को संक्षेप में इस जगह का विवरण बताते हुए बताते हैं कि हिमालय में एक गुप्त जगह पर संजीवनी बूटी है जिसका संरक्षण देवताओं द्वारा किया जाता है। उस बूटी से मरते शरीर में भी जान डाली जा सकती है। तो दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि क्या आज भी ये संजीवनी बूटी हिमालय में है? तो आपको बता दें कि इसका जवाब है जी हाँ। बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत हैं और वो अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए उनके कभी मृत्यु नहीं होते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर कोई अपने सेल्स को हमेशा बनाते रहे और अपने अंगों को हमेशा स्वस्थ रख सके तो उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। आयुर्वेद में भी अमर होने के लिए यही उपाय बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपको इससे अपने मन में उठ रहे सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के शंघाई निवासी एक डॉक्टर ने संभाला के बारे में खोज करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया में उस जगह पर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के वासी हमसे अत्यधिक उन्नत और आधुनिक हैं। और उन्होंने आगे कहा कि ये जगह पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी क्षण भर में लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, कई धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग भी कहा गया है, जहाँ दुख, दर्द, डर, लोभ, मोह और ईर्ष्या का निवास नहीं हो सकता है। हिमालय के इस जगह को हेडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में कई लोगों को बताया भी था, और उसके बाद से ही इसे तिब्बत में संभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है खुशियों का स्रोत। दोस्तों, हिमालय में मौजूद इस सेंटर को प्लैनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1831 में जन्मे रूस के प्रमुख तांत्रिक हेलेना ब्लावात्स्की ने अपनी किताब आइसिस अनवील्ड और द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बताया है कि उन्होंने संभाला में द्वापर युग के 20 से 25 फीट के जीवों को देखा है। ये किताब अमेज़न पे भी उपलब्ध है। 1874 में जन्मे रूस के मशहूर पेंटर निकोलस रोयरिक ने भी इस जगह के बारे में कई सारी खोजें की थी। जर्मनी के हिटलर ने भी इस जगह की खोज के लिए 1930 में सेना के एक बड़े संगठन को हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में भेजा था। इस संगठन का काम अद्भुत जगहों की खोज करना था, लेकिन उस समय हिटलर असफल रहा, जिसके बाद से यहाँ जाने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। कहते हैं कि भगवान बुद्ध को इस जगह का ज्ञान हो गया था और उन्होंने इसके बारे में कुछ ही लोगों को बताया था। आपको बता दें कि इस जगह पर जाने के लिए अत्यधिक परिश्रम और धैर्य रखना होगा। इस स्थान पर पहुंचने के लिए गोबी डिजर्ट को पार करना होगा, उसके बाद बहुत सारी पहाड़ियां आएंगे। उनको पार करने के बाद भी संभाला शहर देखेगा या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार संभाला तिब्बत के कुनलुन में है और इस जगह के अनेकों नाम हैं। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बनते हैं
और कुछ साल राज करने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर भगवान कृष्ण से स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं। तब भगवान कृष्ण जिस जगह का नाम बताते हैं वो कोई और नहीं बल्कि यही जगह होते हैं। उसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी इस जगह की खोज में जाते हैं, लेकिन केवल युधिष्ठिर ही इस जगह पर पहुंच पाते हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण के भविष्य पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भविष्यवाणी है, और वो 10वां अवतार कोई और नहीं बल्कि कल्कि अवतार होगा, और ये अवतार संभाला में होगा। और तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में ये मान्यता है कि जब दुनिया का सबसे बुरा दौर होगा तब सारी दुनिया धर्म मुक्त होकर सिर्फ पाप के पथ पर होगी, तब इसी जगह से 25वां शासक आएगा और दुनिया को मार्गदर्शित करेगा। तिब्बत के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत से ही इस जगह पर जाने का कोई रास्ता है, लेकिन कैलाश पर्वत के नीचे दो शहर बसे हुए हैं, पहला संभाला और दूसरा अगरथा, और संभाला की रक्षा परलौकिक शक्तियां कर रही हैं। यहां सिर्फ सिद्धि प्राप्त लोग ही जा सकते हैं। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि कैलाश पर्वत पे अजीब सी रेडिएशन होती है, और यहां पर किए प्रयोगों से साफ स्पष्ट होता है कि यहां पर कुछ तो रहस्य है। इसलिए हिमालय की चोटी पे बहुत से लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। अब तो इस पे चढ़ने की मनाही भी हो चुकी है। खैर दोस्तों, अब अगर आप सोचे कि हिमालय पर केवल यही एक दिव्य जगह है, तो आइए आपको कुछ और दिव्य और अनोखी जगहों से रूबरू करवाते हैं। टाइगर नेस्ट मठ। ये मठ खड़ी चट्टान के किनारे स्थित है। इस मठ के मध्य में एक गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर गुरु पद्मसंभव ने 3 साल 3 महीने 3 दिन और 3 घंटे तक कठिन तपस्या किए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरु पद्मसंभव दूसरे बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाघिन पे चढ़कर गुरु पद्मसंभव इस गुफा तक पहुंचे थे, जिसके चलते इसे टाइगर मठ के नाम से जाना जाता है। सन 1692 में इस मठ को बनाया गया था, जो आज भी वैसे का वैसा ही है। गुरु डोंगमार लेक। इस झील का संबंध गुरु पद्मसंभव से है। ऐसा माना जाता है कि स्थानीय लोगों के अनुरोध पर गुरु पद्मसंभव ने झील के एक हिस्से पर हाथ रखा था। इसके बाद से कड़ाके की सर्दी के दिनों में भी झील का स्थान नहीं जमता है, बाकी पूरी झील जम जाते हैं। ये झील भी सदियों से स्थानीय लोगों के लिए जल का साधन है। कोंकाला। दोस्तों, लद्दाख में स्थित कोंकाला दर्रा पर जाना बेहद कठिन है। ये स्थान बर्फ से ढका हुआ है। इस स्थान को लेकर साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद सहमति बनी थी कि दोनों देशों के सैनिक स्थान पर मार्च नहीं करेंगे। तब से ही ये स्थान वीरान है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कोंकाला दर्रा पर कुछ सिद्ध पुरुष जाते हैं। इस स्थान पर यूएफओ को काफी बार उड़ता देखा गया है। अगर आप यूएफओ को देखना चाहते हैं तो इस स्थान पर देख सकते हैं। बताया जाता है कि स्थान पर हर महीने एलियंस आते हैं। लोगों के स्थान पर बहुत कम आवाज आई है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर एलियंस यूएफओ में सवार होकर आते जाते रहते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि कोंकाला दर्रा पर कोई न कोई ऐसी रहस्यमय जगह जरूर मौजूद है जो इंसानी सोच से भी परे है, जिस वजह से यहाँ एलियंस आते हैं और कुछ सेकेंड में ही वो गायब भी हो जाते हैं। गंखर प्यूनसम। दोस्तों, दुनिया में गंखर प्यूनसम को सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, और अभी तक इस पर्वत पर कोई नहीं पहुंच सका है। दुनिया में यह पहला पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। भूटान में स्थित इस पर्वत पर अर्धमानव यति रहता है। कई पर्वतारोहियों समेत स्थानीय लोगों ने भी दावा किया है कि उन्होंने यति नाम के एक दानव को देखा है। तिब्बत के लोग इससे डरते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं, और इतना ही नहीं, ये लोग ऊंचे पहाड़ को तिब्बत के भगवान के रूप में मानते हैं, जिसकी वजह से गंखर प्यूनसम की चोटी पर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये रहस्यमय वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।